बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल रहमान हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की एक ऐसी तलख हकीकत के बारे में बताएंगे जिसे ना सिर्फ हमसे छुपाया गया बल्कि नित नए तरीकों से हमें मिस गाइड भी किया जाता है। तो वीडियो इतनी लंबी नहीं है, वीडियो शॉर्ट है। हमने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए, हमारी इसमें बहुत मेहनत है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। पाकिस्तान को तोड़ने में किसी एक शख्स का किरदार नहीं था, अलबत्ता एक शख्स ऐसा था जो इस साने को होने से रोक सकता था। आए इसको तारीखी पस मंजर में समझने की कोशिश करते हैं। ये मार्च 1969 था जब जनरल योहिया ने जनरल अयूब को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और खुद पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। जनरल योहिया एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जनरल योहिया पहले ही जनरल अयूब के जवाल के सबाब दे चुके थे, इसीलिए उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई मोल लेने की बजाय अयूबी दौर में सियासी जमातों पर लगी पाबंदियों को खत्म किया। जनरल योहिया ने जनरल अयूब का बनाया हुआ मुतनाज़ आइन भी मुस्तरद कर दिया और दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान किया। ये पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात थे जिसमें एक आदमी एक वोट का असूल इस्तेमाल हुआ। इन्हें पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात भी कहा जाता है, लेकिन इन शफाफ इंतखाबात का नतीजा बहुत खतरनाक निकला। बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने क्लीन स्वीप किया। शेख मुजीबुर रहमान ने 160 नशिस्तें जीत ली, लेकिन इसकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक नशिस्त हासिल करने में भी कामयाब ना हो सकी। इधर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 81 नशिस्तें जीती, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में एक नशिस्त हासिल करने में भी कामयाब ना हो सकी। पाकिस्तान वाज़े तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुका था। पूरा मगरबी पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के साथ खड़ा था और शेख मुजीबुर रहमान आइनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। जनरल योहिया की जिम्मेदारी थी कि उन्हें इक्तदार मुंतकिल करते। इसी मकसद के लिए जनरल योहिया ने कौमी असम्बली का इजलास 1 फरवरी 1971 को बुलाया। ये एक तारीखी मौका था कि जब पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से मुंतखिब क़यादत मिल रही थी, लेकिन इस तारीखी मौके पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में जाने से इनकार कर दिया और अपने नुमाइंदों को धमकी दी कि जो भी कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा मैं उसकी टांगें तुड़वा दूंगा। भुट्टो को शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात पर एतराज़ था। वो इन्हें पाकिस्तान से अलहदगी के नुकात समझते थे। बहरहाल ये तो एक बहाना है। माहरीन का कहना है कि भुट्टो को लाख एतराजात के बावजूद भी कौमी असम्बली के इजलास में जाना चाहिए था, क्योंकि ये जमहूरियत के बहुत बड़े दावेदार हैं। दिन रात ये जमहूरियत जमहूरियत का राग लापते नहीं थकते। आज भी पीपी की टोटल सियासत भुट्टो और जमहूरियत पर ही तो मुनसर है। बहरहाल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल योहिया पर इजलास को मुलतवी करने का दबाव डाला और जनरल योहिया ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होना था कि मगरबी पाकिस्तान में आग लग गई। मगरबी पाकिस्तान के लोग ये जान चुके थे कि मशरकी पाकिस्तान की अशराफिया उन्हें कभी भी इकतदार मुंतकिल नहीं करेगी और फिर पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई। भारत जो कि पहले ही मौके की तलाश में बैठा था, उसने बागियों की मदद मक्नी बाहिनी के जरिए करना शुरू कर दी। मक्नी बाहिनी के मुसल्ला ग्रोहों ने पाक फौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। ये पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। अगर उस वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर इक्तदार जीतने वाले के सुपुर्द कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की तारीख आज कुछ और होती। अफसोस, हमने अपने नाव की वजह से ये मौका भी अपने हाथ से गंवा दिया और मगरबी पाकिस्तान में बगावत को कुचलने के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये एक तारीखी हकीकत है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मगरबी पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों ने फौजी ऑपरेशन की हमायत की। फौजी ऑपरेशन के जरिए हमने मकनी बाहिनी की बगावत को तो कुचल दिया, लेकिन अफसोस नफरतों का पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका था। दूसरी तरफ जब भारत ने अपनी साजिश को नाकाम होते हुए देखा तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज घेरे में आ गई। जुग्राफिया हमारे खिलाफ था और पाक फौज मरकज से 1000 मील दूर थी और चारों तरफ से दुश्मन घेरे डाल चुका था। पाक फौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी। मशरकी पाकिस्तान की जमीन अब बेगानी हो गई थी। शिकस्त मुकद्दर में थी, लेकिन फिर भी हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की। ये एक हारी हुई जंग थी जिसे तोल तो दिया जा सकता था, लेकिन कभी भी जीता नहीं जा सकता था।
और हुआ भी यही, पाकिस्तान को तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और तारीख के सबसे ज्यादा सिपाही कैद हमारे भी हुए, जिनकी तादाद मुबैना तौर पर 90,000 थी। अब पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की बजाय सिर्फ पाकिस्तान रह गया था। मुल्क तोड़ने का जिम्मेदार कोई एक फर्द नहीं होता, अलबत्ता इसके पीछे सैकड़ों अवामल होते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि वो कौन था जो आखिरी वक्त में पाकिस्तान को दो टुकड़े होने से बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया, तो उसका नाम जनरल योहिया था। जनरल योहिया इसलिए क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी बतौर चीफ मार्शल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के इक्तदार जीतने वाले के सुपुर्द किया जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं बनता कि पाकिस्तान तोड़ने का अकेला जिम्मेदार जनरल योहिया ही था, क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सानिया मशरकी पाकिस्तान के साथ ही जनरल योहिया के इक्तदार का सूरज भी गुरूब हो गया और जनरल योहिया ने जुल्फकार अली भुट्टो को एक कागज पर लिखकर इक्तदार मुंतकिल कर दिया। फिर जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असेंबली के सरबराह बन गए। इक्तदार मिलते ही जुल्फकार अली भुट्टो ने जनरल योहिया को नजरबंद कर दिया और जनरल योहिया बाकी तमाम जिंदगी नजरबंद ही रहे। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के एक साल बाद स्तूते ढाका का ये अहम किरदार इंतकाल कर गया। उधर पाकिस्तान से अलग होने वाले बांग्लादेश में एक के बाद एक फौजी बगावत हुई और महज 4 साल बाद ही फौजी नौजवानों ने शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल कर दिया। यूं महज 10 वर्षों में ही ये स्तूते ढाका के अहम किरदार कैफरे किरदार को जा पहुंचे। पाकिस्तान में इस वाक़े की वजूहत जानने के लिए एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन के सरबराह हमीदुर रहमान जस्टिस ने इसकी तफसीली रिपोर्ट तैयार की। इसमें जिम्मेदारों का तैयार भी किया गया और स्तूते ढाका के अवामल भी लिख कर दिए गए। ये रिपोर्ट जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में ही मुकम्मल हो गई थी, लेकिन कभी इसे पब्लिक नहीं किया गया और आज तक भी इसे कभी जाहिर नहीं किया गया। अलबत्ता ये रिपोर्ट भारत में शाया हुई, लेकिन हमसे ही रिपोर्ट छुपाई गई। और नाज़रीन, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें और इस तरह की अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।